मुझे 2022 से इंसुलिन लगता था। और अब कब से नहीं लग रहा है? जी अभी 2 दिन से बंद है। मैंने भुजंग आसन लगाया, मैंने सूर्य नमस्कार किया, मैंने द्विचक्री का आसन किया, ये कंटिन्यू रहने वाला जब तक मेरा वजन 80 किलो नहीं हो जाता। जब 96 था जब आया था, अब मेरा 166 या 167 के करीब है। 166। इसका कितना बीपी था बेटा? 300/190। अभी तो मैं चंद्रनाश नहीं कर रहा हूँ, बीपी नॉर्मल है 130-120। मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, मैंने बाबा जी को पास आए, पेल्विक कैंसर को हरा दिया। और उम्र कितनी है? 61। मेरे ब्लड कैंसर हुआ था, मैं योगा चालू किया और इनकी डाइट फॉलो की, खत्म कर दिया उसको। कैंसर अब पता नहीं कहाँ चला गया। ते पापा ने 2-2 घंटे सवेरे शाम योग किया, पापा आज बिल्कुल नॉर्मल। मेरा 95% हो गया था लीवर का, 25 होना चाहिए, वो 2500 पहुंचा था। मुझे इतना विश्वास इसलिए क्योंकि मैंने चमत्कार देखा आयुर्वेद का। एक नहीं दो नहीं ऐसी लाखों मिसालें हैं जो बीमारी की वजह से ठीक होने की उम्मीद भी छोड़ चुके थे, लेकिन योग और आयुर्वेद ने ऐसा चमत्कार किया कि उन्हें न सिर्फ एक नई उम्मीद मिली बल्कि जिंदगी का तोहफा भी मिला है। बिल्कुल हुसैन, लोगों को ऐसे नायाब गिफ्ट की जरूरत भी है क्योंकि आजकल तो बीमारियों का ऐसा जाल फैला है कि बचना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, और किडनी के मरीजों को तो यही बोला जाता है कि अगर गुर्दे खराब हो गए तो जिंदगी भर या तो डायलिसिस करवाते रहोगे या फिर महंगी ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाओगे, और उसके बावजूद भी पूरी तरह से ठीक होने की कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसा नहीं है अमित, जहाँ चाह है वहाँ राह है, बस जरूरत है लग्न और मेहनत से योग करने की, नेचुरल रेमेडीज अपनाने की। बिल्कुल ठीक बात है, और ये बात सिर्फ स्वामी रामदेव के वहां पहुंचकर ठीक हुए मरीज ही नहीं कह रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं जो घरों पर देख करके इंडिया टीवी के जरिए खुद को ठीक करते हैं। और डॉक्टर्स का भी यही मानना है, उनके मुताबिक किडनी कैंसर जैसी घातक बीमारी का अगर शुरुआती स्टेज में ही पता चल जाए तो उसे 100% तक ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल हुसैन, इलाज तो बाद की बात है, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये बीमारी इतनी तेजी से फैल क्यों रही है। देखिए श्रुति का हेल्थ एक्सपर्ट्स तो इसके लिए मोटापा, स्मोकिंग की आदत, हाई ब्लड प्रेशर और दिन ब दिन बढ़ते प्रदूषण को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक 10 साल पहले तक अस्पताल में पहुंचने वाले 90% मरीज 60 साल से ऊपर के होते थे, लेकिन अब तो 40% पेशेंट 40 से 50 साल की उम्र के पहुंच गए हैं। श्रुतिका, देखिए किडनी पर हमला अगर वक्त रहते ना रोका जाए तो शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने लगेंगे, स्टोन का खतरा बढ़ेगा, यहां तक कि ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। लेकिन बहुत घबराने की बात नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और चलिए अब योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ मिलकर किडनी की यानी गुर्दे की हर एक बीमारी पर यौगिक प्रहार किया जाए और लोगों को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की नौबत से पहले ही रोक लिया जाए, बचा लिया जाए। स्वामी जी अब हमें नजर आने ही वाले बस हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो नौका विहार हो रहा है। बहुत बहुत प्रणाम, आप मेरी नजरों में सदा रहते हैं और हम चाहते हैं कि सबकी नजर भी अच्छी रहे, सबका नजरिया भी अच्छा रहे, इसलिए हम बोटिंग के साथ योग करवा देते हैं। बोटिंग के साथ अनुलोम विलोम कीजिए, साइकिलिंग के साथ कपालभाति कीजिए, चलते फिरते सब योगाभ्यास कीजिए और हम ये सब करके लोगों को सरसता के साथ, लोगों का योग बड़ा नीरस है, अरे मेरे का योग से बड़ा तो कुछ सरस है ही नहीं, या हमारी बिटिया तो कुछ ज़्यादा ही जोर से योग कर रही है, और इधर जो है सारी थेरेपियाँ चल रही हैं। चलो तुम ताड़ासन से शुरू करो, वाटर थेरेपी, मड थेरेपी, और किडनी की बस्ती भी दे रहे हैं यहाँ पर। एक एक जो उपाय है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और सरल आसनों से ही बड़े बड़े रोगों को ढा देते हैं, मिटा देते हैं, और वही सरल सरल उपाय जो जिसका प्रयोग हमने लाखों करोड़ों लोगों पर किया है वो आज आपको बताने वाले हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत कर दें, इससे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। कितना सुहाना दृश्य है, आकाश में थोड़े थोड़े मेघ हैं, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है पेड़ों से छन छन करके, और यहाँ मेरे साथ बोटिंग भी कर रहे हैं, बोटिंग योगा चल रहा है, बोटिंग के साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कुछ तो ध्यान में भी खो रहे हैं। और जो अधिक कठिन योग नहीं कर पाते, बिटिया हमारी कठिन योग वाली भी है, जो
कठिन योग न कर पाए वो सहज योग कर लें, वृक्षासन कर लें। योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार और दंड बैठक, ये पावर योगा तो हमने नवंबर दिसंबर में शुरू किया था और तब से कंटिन्यू कर रखा है कि भाई रोज कम से कम 5 से 10 मिनट का पावर योगा सभी कर लें। कम से कम योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास, 1 और ये 2, और कम से कम 2 बार सूर्य नमस्कार। ये तो दिनचर्या का हिस्सा बना दिया हमने, जो मधु है ना, मधु की तरह जो कठिन अभ्यास कर सके तो बहुत अच्छी बात है, और जो कठिन ना भी कर पाए ना तो कम से कम सूर्य नमस्कार सब कर लें। सूर्य नमस्कार 2 बार, और पूजा और श्रुतिका ने तो देखा था, अमित ने, अमित को तो हमने जी पटकनी भी दी थी और जो हमारे बच्चे हैं वो तो बहुत जबरदस्त तरीके से पावर योगा करते हैं जी। और धीरे धीरे योग का ऐसा चारों तरफ वातावरण बना है, योग के लिए जो जुनून चारों तरफ पैदा हो गया है तो बहुत अद्भुत है। 10-20 बार से लेकर के 100 बार तक तो हम ऐसे ही भुजंगासन अथवा सर्पदंड करवा देते हैं। रही बात अब किडनी के क्रिएटिनिन की, क्रिएटिनिन के लिए गोखरू और धनिये का काढ़ा, स्वामी जी धनिये की चटनी, जिस योग में वातावरण लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, लौकी का जूस, वो लोगों की जिंदगी बदल रहा है, ना उम्मीद हो चुके लोगों को, जो का दही जी मेरे भाई। स्वामी जी वो जिस योगमय वातावरण का आपकी आप बात कर रहे थे, दरअसल वो लोगों की जिंदगी बदल रहा है, लोगों को जिंदगी की उम्मीद दे रहा है। बहुत सारे लोग स्वामी जी बीमारी के सामने बिल्कुल हार मान लेते हैं, इलाज भी बेअसर सा होने लगता है, लेकिन श्रुतिका पहुंची थी आपके पास और वहां उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की जो असाध्य रोगों की जकड़ में थे, उसकी गिरफ्त में थे, और उनका ठीक हो जाना करीब करीब नामुमकिन था, लेकिन योग, प्राणायाम और आयुर्वेदिक थेरेपी से ऐसे लोग ठीक हुए और आज अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। कुछ केस स्टडी आपके साथ श्रुतिका ने रिकॉर्ड की है, वो चाहते हैं हम कि जरा अपने दर्शकों को दिखाएं ताकि जो लोग अब तक योग और आयुर्वेद की ताकत को नहीं समझे हैं वो भी जरा उसको समझें। बीपी शुगर दोनों को बीपी से, इसका कितना बीपी था बेटा? 300/190। अभी कितना? 100/190। कितना होता है श्रुतिका जी? स्वामी जी मेरा तो ऊपर वाला 90 और नीचे वाला 60 रहता है। लो तो, लेकिन 300/190 में तो आदमी का ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, किडनी फेल होके मर जाए। क्या ले रहा है बीपी के लिए? अभी तो मैं चंद्रनाश नहीं कर रहा हूँ, घिया का जूस वगैरह ये करता रहता हूँ। दायनाक से लेना, वाई से लौकी का जूस। और बीपी कितना? बीपी नॉर्मल 130/120 और नीचे का 70-80। 7-8 पहुंच गया था, वो अब कितना आ गया? 6 आ गया, वो 1.6 आ गया जो नॉर्मल। तो स्वामी जी ये दिखाना बड़ा जरूरी था अपने दर्शकों को। स्वामी जी किडनी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, किडनी के मरीज बढ़ रहे हैं, केस स्टडी में भी हमने दिखाया, और आप अक्सर इसकी वजह भी बताते आए हैं कि 80% डैमेज हो जाने के बाद भी किडनी की बीमारी का ही पता चल पाता है। तो स्वामी जी ये नौबत ही ना आए, इसके लिए एक पूरा कंप्लीट पैकेज करवाइए, और क्योंकि इस मौसम में तो वैसे ही शरीर में पानी की कमी होती है जिससे किडनी का जो प्रोसेस है वो जो डिस्टर्ब हो जाता है, तो पूरा एक पैकेज जिससे किडनी हेल्दी रहे। तो देखो कठिन आसन करने की जरूरत नहीं है, वैसे कोई मधु की तरह वृश्चिक आसन, त्रिविक्रम आसन, चक्रासन, नटराज आसन, पूर्ण नटराज आसन, कोई कठिन कठिन आसन कर सके बहुत अच्छी बात है, लेकिन पवन मुक्त आसन से, उत्तान पाद आसन से कितने सरल है,
एक आसन को 5 मिनट करने की आदत डालिए, लगातार हो सके तो बहुत अच्छी बात है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन हो जाए तो बहुत अच्छा है। और सेतु बंध, और बैठ कर के ये मंडूक आसन, देखो ये मंडूक आसन बहुत ही अद्भुत है। वज्रासन में बैठ के आगे यूं झुकना और मूल बंद उड्डयन बंद के साथ ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये किडनी का पूरा पैकेज है। एक आसन को 5 से 10 मिनट करना, धीरज के साथ करना। जो आपने बात कही मैं उसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, गौरव देना चाहता हूँ और उस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बीमारियों के सामने, रोगों के सामने सरेंडर नहीं करना। हम रोगों के सामने सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को दवा के हाथों में, मेडिकल सिस्टम के हाथों में और अलग अलग प्रकार की सिंथेटिक दवा, और उसके बाद तो जब निराशा ज़्यादा हो जाती है ज़िंदगी में तो डिप्रेशन की दवा और कई बार तो ड्रग एडिक्शन में अपने आप को पूरी तरह से लाचार और बेबस अनुभव करते हैं। तो मैं चाहता हूँ, ये तो डायरेक्ट बेनिफिट देने वाले अभ्यास हैं जो अभी हम करवा रहे हैं। किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम के 3 मुख्य कारण हैं, बीपी, शुगर, तीसरा जेनेटिकली भी किसी किसी की किडनी कमज़ोर होती है। फिर अब जिस तरह से लोग ज़्यादा सोल्ट, ज़्यादा तीखे तले, ज़्यादा अनहेल्दी पदार्थ खा रहे हैं, ज़्यादा मिर्ची मसाले, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अनहेल्दी फूड, और ये कचरा निकलता है नहीं शरीर से, कचरा मल से, मूत्र से, पसीने से और प्रश्वास से निकलता है। ये अंदर के टॉक्सिन्स के निकलने की प्रक्रिया धीमी पड़ गई, कुंद पड़ गई, मंद पड़ गई। और ये लोग पानी भी थोड़ा कम पीते हैं, और जो मूत्रल पदार्थ है ना, जिससे पेशाब ज़्यादा आता है, उसको आयुर्वेद में मूत्रल द्रव्य कहते हैं। जैसे गोखरू है, धनिया ही मूत्रल है, जो है ये मूत्रल है। बियर लोग पीते हैं काफ़ी, बियर भी मूत्रल होती है, लेकिन बियर पीने की जरूरत नहीं। आप जो का आटा, जो का दलिया खाइए, गिलोय, गोखरू, आंवला, हाँ किसी का ना वो भी बढ़ जाता है, प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है, प्रोटीन लीकेज होता है यूरिन के साथ, तो उसके लिए गिलोय, गोखरू, आंवला, गिलोय, गोखरू, आंवला, धनिया और थोड़ा सा उसमें जो, गिलोय, गोखरू, आंवला, धनिया, जो 5 चीज़ें एक एक चम्मच ले लें, गिलोय 1 चम्मच, गोखरू 1 चम्मच, आंवला 1 चम्मच, गिलोय, गोखरू, आंवला, धनिया 1 चम्मच और जो का दलिया डाल लें उसमें 2 चम्मच, इसका काढ़ा उबाल करके पी लें। ये 3 बार काढ़ा पी लें, 1 सप्ताह में प्रोटीन लीकेज खत्म। ये ऑटोमेन डिजीज माना जाता है, स्टीराइड इसमें देते हैं और असाध्य रोग मानते हैं एलोपैथी में, ये रोग ठीक हो जाता है। ये मैंने थोड़ा साथ में इसलिए बता दिया स्वामी जी, देखिए कि ये जो लोगों का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, उसके अलावा ये प्रोटीन लेवल भी बड़ा खतरनाक होता है। बाकी तो फिर पूरे शरीर में सूजन, फिर उसमें स्टोन बनना, उसमें इन्फ्लेमेशन, पॉलीसिस्टिक किडनी, ये भी बहुत बड़ी समस्या होगी मेरे भाई। एक एक करके इसको अपने शो में आज हम बताना चाहेंगे, आज किडनी का कोई रोग छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सारे विषय शामिल किए जाएंगे स्वामी जी। देखिए किडनी की प्रॉब्लम्स की रिकवरी तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन अब तो किडनी कैंसर के भी 100% खत्म होने की बात डॉक्टर्स कर रहे हैं। बस शर्त यह है कि शुरुआती स्टेज में इसका पता लगा लिया जाए, लेकिन अगर यह रोग शुरुआत में पता ना चले तो जानलेवा हो सकता है। और इस बीमारी की होने की जो वजह है वो आजकल बड़ी कॉमन हो चुकी हैं, उसमें मोटापा है, उसमें स्मोकिंग है। तो गुर्दों का ये खतरनाक रोगों को ना लगे इसके लिए मोटापा कैसे कम करना है ये भी बताइए, और ज़रा सा जो लोग स्मोकिंग की आदत में पड़े हुए हैं उनको ज़रा डांट लगाइए और उनका कान भी खींचिए कि भाई ये सब छोड़ो और अपने किडनी की हिफाजत करो। ये तो बाबा हमारे लेटे पड़े हैं ना, जिनको ठंडा गर्म सेक कर रहे हैं हमारे भाई, ये बीड़ी, सिगरेट और कभी कभी जो है पी भी लिया करते थे मिलिट्री में रहे, अब सब छोड़ करके और अब आनंद कर रहे हैं। और एक भाई दूसरे
सुबह मेरे से मिले, बोले बाबा जी सिगरेट छूट गई, बीपी शुगर तो ठीक हो ही गया, अभी शायद आए नहीं है, सिगरेट भी छूट गया और नशा भी छूट गया, सिगरेट दवा तो छूटी बीपी शुगर की, सिगरेट भी छूट गई। तो जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, बड़ा खतरनाक मामला है, आपके भी इंडिया टीवी परिवार में भी कोई ऐसा प्यारा बालक हो, मुझे पता है, उसको मेरे पास भेज देना। ये घर में नहीं छूटती, बड़ा ड्रग एडिक्शन ना ये, खास करके सिगरेट का एडिक्शन बड़ा खतरनाक होता है, आदमी को पता है कि वो अपने साथ ही क्रूरता कर रहा है लेकिन छोड़ नहीं पाता। तो एक तो ये अभ्यास तो मैंने किडनी के लिए बताया, ओबेसिटी के लिए बताया, योग करते करते अपने आप नशा छूट जाता है, सिगरेट छूट जाती है, बीड़ी छूट जाती है, सारे नशे, सारा प्रमाद, बहुत तरह का उल्टा पुल्टा उधेड़ बुन खींचा तान जीवन में अंतर्द्वंद उथल पुथल चलती रहती है, आदमी इनएक्शन में, रोंग एक्शन में, रिएक्शन में और कन्फ्यूजन में, ये चार चीज़ें बड़ी खतरनाक, इनएक्शन रोंग एक्शन और डिस्ट्रैक्शन, ये बड़ा खतरनाक है। तो इनएक्शन से, रोंग एक्शन से, रिएक्शन से और डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और योग करेंगे ना तो अपने आप ही ये सारा नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एक्शन, ये सब खत्म हो जाता है। और तीन अभ्यास, ये बैठ करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पश्चिमोत्तानासन, दो अभ्यास उठ के लेट करके भुजंगासन, ऐसे 25-50-100 बार तक करवा देते, सलभासन और सीधे लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कंटिन्यूटी के साथ करते हैं तो अपने आप वेट कम हो जाता है। और मैंने तो अभी आप दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, रोहन उसने 60 किलो कम कर लिया और मेरे पास तो एक शुभ नाम का बच्चा आया, 196 खड़े, राम राम, मेदोहर, वेट गो, अश्वगंधा, गर्म पानी और लौकी कल्प। लौकी कल्प तो मोटापा के लिए, बीपी के लिए, हार्ट के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए, गांठों के लिए, पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बेस्ट है। लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, जिनको अस्थमा आर्थराइटिस है उनको लौकी की सब्जी और या उसका सूप पिला देते हैं, शेष को तो लौकी का जूस। इससे प्रोस्टेट कैंसर, PSA, उसमें थोड़ा काली मिर्च और तुलसी डाल देते हैं तो PSA प्रोस्टेट कैंसर 20-40-50-60-70-80-100 ग्राम तक जिनका हो गया था उनका रिवर्स किया है। ये आपने एक बात आज बहुत अच्छी कही कि प्रारंभिक अवस्था में ही क्रिएटिनिन लेवल को, प्रारंभिक अवस्था में ही बीपी शुगर को, जब वेट 10-20 किलो बढ़ जाए वहीं पर उसको थाम लो, अति मत होने दो, नहीं तो। और स्वामी जी देखिए, योग और आयुर्वेद की ताकत तो हम पिछले शरीर को जब से आपके साथ जुड़े हैं स्वामी जी, तब से हम योग और आयुर्वेद की ताकत देख रहे हैं। आसन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ओबेसिटी के लिए बता दिया, और जहाँ कहीं से भी गुजरते हैं वहाँ भी लोग इस बारे में हमसे जिक्र करते हैं। और ताज़ा स्टडी श्रुतिका भी आपके यहाँ से लेकर आई कि कैसे योग और आयुर्वेद से लोगों को फायदा मिल रहा है। स्वामी जी, यूरिनरी ट्रैक से जुड़ी भी कई परेशानियां हैं। तो किडनी से जुड़ी हर एक बीमारी का इलाज कट सकता है, हम कैसे कट सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब रोगों को काटना, हटाना, बिटाना, खदेड़ना है। आप अनकट हमेशा रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से हमें कनेक्ट कर दिया गया है। बता दिया जी 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 जी। स्वामी जी देखिए, यूरिनरी ट्रैक से जुड़ी भी तमाम परेशानियां जो हैं वो खराब लाइफस्टाइल की वजह से घातक हो रही हैं, ज्यादा बड़ी परेशानी की वजह बन रही हैं। अब एक प्रोस्टेट को ही ले लीजिए, प्रोस्टेट की परेशानी पहले ओल्ड एज में होती थी ऐसा माना जाता था, लेकिन अब नौजवानों को, युवाओं को हो रही है और जानलेवा भी हो रही है, तो प्रोस्टेट से कैसे बचाएं? इसको तो था प्रोस्टेट कैंसर, क्या नाम भाई?
हंसराज यादव, बादशाहपुर हरियाणा से। बादशाहपुर में रहता था, खुद आरोग्य की दृष्टि से वो बादशाह दरिद्र हो गया था। कितना था वो? कितना था? 7.9 पीएसए होता है ना? हाँ, कितना? 7.9। और अब कितना है? 0.1। और अभी क्या क्या कर रहे हैं? अभी तो कपाल भाती अलोम विलोम। और खाने में क्या खा रहे हैं? खाने में तो हल्का ही ले रहा हूँ। स्वामी जी, हमने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब यहाँ से मिल गया, लेकिन एक बार फिर से आपसे, देखो पीएसए के लिए लौकी के जूस में 3 से 5 काली मिर्च और 11 से 21 तुलसी के पत्ते। प्रोस्टोग्रिट देते हैं हम ट्रेडिशनली, खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर पुनर्ग्रिट। और खाने के बाद चंद्रप्रभा और गोक्षरादि, ये मैं प्रयोग पिछले 35 सालों से कर रहा हूँ। मंडूक आसन जो अभी कर रहे हैं हम, और पवन मुक्त आसन, ये दो इसके मूल आसन हैं। और थोड़े दिन के लिए मीठा, नमक, तना हुआ, ये जो अनहेल्दी फूड है ना, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, उल्टा पुल्टा खाते हैं लोग, उल्टा सीधा बोलते थे, तो मैंने कहा भाई उल्टा सीधा मत बोलो, सीधा कुछ है ही नहीं, ये उल्टा पुल्टा है। पवन मुक्त आसन, मंडूक आसन, और जो कर सके तो योग मुद्रा आसन कर लो, और फिर देखो क्या नहीं होता। साहब एक बार तो भाई श्रुतिका का धन्यवाद होना चाहिए, उन्होंने असाध्य रोगियों को पूरे देश के सामने रख दिया कि योग में ये रियल वर्ल्ड एविडेंस है, वी हैव रियल वर्ल्ड एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, प्री एंड पोस्ट क्लिनिकल रिपोर्ट्स। और उसको जब श्रुतिका ने देखा तो कहने लगी, स्वामी जी आज तो योग पर मेरा भरोसा अब तो कई 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, अब तो मुझे ऐसा लगता है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने क्रिएटिनिन से लेके प्रोस्टेट से लेकर के और कैंसर तक के रोगियों को देखा, और एक एक साथ साथ दो दो बच्चे पैदा हुए इनफर्टिलिटी दूर हुई। तो बोले स्वामी जी क्या नहीं होता योग से, तो सब कुछ होता है। तो ये प्रोस्टेट, और फिर देखो इसका पॉइंट है, ये तो किडनी के लिए ऐसे, और ये प्रोस्टेट के लिए है, दोनों हाथों में, जहाँ चूड़ियाँ पहनते हैं हाथों में, कड़े पहनते हैं, पैरों में भी जो है, ये दोनों जगह पॉइंट है ऐसे, ये बड़े ज़बरदस्त है, दोनों पैरों में और दोनों हाथों में ये पॉइंट दबा लें, और ये एनर्जी को चैनलाइज करते हैं हम योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, पंचकर्म, षटकर्म, उपवास, उपासना से। ये जो एनर्जी को डिस्ट्रैक्शन करने वाली 2-3 चीज़ें हैं ना, चीनी, नमक और जितने भी ये पैक्ड फूड हैं, अनहेल्दी फूड हैं, उल्टा पुल्टा जिसको मैं बोल रहा था, बर्गर, पिज्जा, जंक फूड, फास्ट फूड, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ड्रिंक्स, बीड़ी, सिगरेट, ये तो सब छोड़ना पड़ेगा। देखो इससे हम अपने साथ बहुत अधिक क्रूरता, जुल्म, जाते करते हैं। मैं तो कहता कपाल भाती करते करते पानी भी धोवा लो, ऐसे भी दोनों हाथों में, दोनों पैरों में भी ऐसे कपाल भाती भी हो जाएगा और एक्यूप्रेशन। तो हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो हेल्दी फूड की तरफ आना ही पड़ेगा। पट्टी पेट पर रखे हुए ना, और कोई ऑप्शन है भी नहीं, और हॉट एंड कोल्ड प्रेस एंड ये किडनी बस्ती, और एक से एक बढ़कर चीजें हैं खाने पीने के लिए, एक से एक बेहतरीन फल हैं जी मेरे भाई। और जाहिर है फिर ऐसे में जंक फूड की तरफ जाने की जरूरत क्या है। स्वामी जी अब जरा किडनी की बाकी परेशानियों की भी बात कर लेते हैं, जिनमें सबसे ऊपर आती है पथरी की परेशानी। पथरी जिसको हो जाए फिर वो रह रहे के ऐसा दर्द देती है कि उसे बर्दाश्त करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो पथरी को दूर करने के लिए योगाभ्यास कौन से हैं और आयुर्वेदिक उपचार क्या है? भयंकर पेन किलर लेने पड़ते हैं लोगों को, इंजेक्शन लगाना पड़ता है पेन के लिए, इतना ज़्यादा दर्द होता है। एक रजत मेरे पास आया, बोले जी लीवर, वो मेरा लीवर सिरोसिस तो ठीक कर ही लिया, पथरी टूटती नहीं थी, इतनी हार्ड थी, बस ये लीथोम लिया और ये गोखरू, ये हरा वाला गोखरू है, ये किडनी के लिए भी अच्छा है और पथरी के लिए भी, गोखरू, कासनी, पंचतृणमूल। और जब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है और प्रोटीन लेवल बढ़ता है तब तो नीम और पीपल के पत्तों का रस, ये नीम और ये पीपल, शीशम पित्त बढ़ने पर ये पीपल और ये नीम हमने इसलिए रखा हुआ है यहाँ, ये जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम होती है उनके लिए रामबाण काम करता है, रिनोग्रिट
पीपल नीम के पत्तों के साथ देते हैं, और जो लीथोम है ना, लीथोम, ये दो दो गोली सुबह दोपहर शाम तीन बार दे देते हैं। और ये जो पत्थर चटा है ना, दाएं तरफ देख रहे हो, पुनर्नवा इसके बगल में ही सोजन के लिए, पत्थर चटा पथरी के लिए, पत्थर चटा पथरी के लिए, पुनर्नवा मकोई और ये भूमि आंवला, जिनका लीवर फेल होता है वो तक हमने ठीक किया। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर से लाखों करोड़ों लोगों को हमने बताया बचाया। लीवर फेलियर ने 50 लाख, किडनी फेलियर होने पर 25 लाख का कम से कम खर्चा आ जाता है। फिर हर महीने 25-50 हज़ार पैसे लेकर के 1-1 लाख रुपए तक की दवाइयाँ, और वो सब सिंथेटिक दवा खा खा करके अपना शरीर पूरा जहरीला हो जाता है। तो ये अपने साथ जुल्म, जाति, क्रूरता, अत्याचार न करे इसके लिए बस। और हाँ, पथरी से बचने के लिए भी ज़रूरी है पानी पूरा पिए। मूली का सीज़न है तो अब तो वैसे हर मौसम में मिलने लग गई। मूली के पत्ते और मूली की सलाद, और हम तो जूस पिला देते हैं मूली का, थोड़ा एसिडिटी वालों को दिक्कत आती है उनको खाने के लिए बोल देते हैं। तो मूली अप्रतिम है, जौ का दलिया, ये जौ किडनी के लिए और पथरी के लिए दोनों के लिए अच्छा है। जो गोखरू और कुलथ, तीन चीज़ों का काढ़ा पिला देते हैं। कितना और विकल दोषर क्वात या अजमेरा क्वात तो हम देते ही सो देते हैं, ये हमने सबको दिया हुआ है, ये भी बड़ा अच्छा होता है। वृक दोषर क्वात जनरल वृक बोलते हैं किडनी को, और दोष बोलते हैं उसके रोग को, और ये अश्मरी कहते हैं पथरी को संस्कृत में। तो अश्मरी अर्कवात पथरी के लिए, और वृक दोष अर्कवात सामान्य जितने भी किडनी की जनरल प्रॉब्लम्स है उनके लिए। स्वामी जी, कपाल भाती किडनी के लिए, प्रोस्टेट के लिए, पायस फिसर फिस्टुला पाचन पैनक्रियाज के लिए बड़ा जबरदस्त। स्वामी जी, किडनी स्टोन को मेल्ट करने का, उसे निकाल देने का शरीर से आपने उपाय तो बता दिया है, और लोग आयुर्वेद की इस ताकत को मानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल जरूर होता है स्वामी जी, कि पथरी का जब दर्द होता है, जो उसका दर्द उठता है, जो बर्दाश्त के बाहर होता है, उसे फौरन कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद में क्या है, क्योंकि वो उसके लिए पेनकिलर का इस्तेमाल करते आए हैं, तो आपके पास कोई ऐसी चीज है नेचुरल पेनकिलर जो फौरन राहत दे? तो पॉइंट दवाएं हाथ पैर में, और पत्थर चटाना लेते ही पत्थर चटा मुंह में गया और किडनी का पेन अपने आप उसमें रिलीफ मिल जाता। और ये जो हम लोग हल्के में ना ले, जो हम गोखरू और धनिया बार बार बता रहे हैं कि इसका काढ़ा पियो, या ट्राइगल या पूरी घनबट्टी रेडीमेड ले लो, वो भी एकदम उसमें लाभ करती है। बहुत ज़्यादा असह्य वेदना होने पर पेन किलर वो जो है वो ले लेते हैं लोग, लेकिन ट्राइगन, कोरी घन, गोखरू, धनिया का पानी और ये पत्थर चटा इंस्टेंट बेनिफिट भी देता है मेरे भाई। ये इंस्टेंट बेनिफिट चाहे किडनी के प्रॉब्लम्स में हो, लीवर में सर्वकल्प लिवोग्रिट क्वाथ और लिवोग्रिट जूस, ये मैंने बताया ना, भूमि आंवला पुनर्नवा, इंस्टेंट बेनिफिट लीवर में, इंस्टेंट बेनिफिट श्वासारी से, ब्रोनकोम से, फेफड़े में, हार्ट में, कार्डियोग्रिट हृदयामृत से। तो ये लोगों में गलत फहमी है कि आयुर्वेद से तुरंत लाभ नहीं होता, योग से तुरंत लाभ नहीं होता। अभी आपका दम फूल रहा है, भस्त्रिका कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, और सिला तुलसी ड्रॉप डाल करके या सहसारी शहद में मिला करके पी लीजिए। स्टीराइड के बराबर काम करता है, स्टीराइड नेचुरल स्टीराइड होता है हल्दी में, करके मैंने गोल्ड ले लीजिए, इंस्टेंट बेनिफिट। तो ये गलत फहमी है मेरे भाई हुसैन जी कि योग आयुर्वेद से इंस्टेंट बेनिफिट नहीं होता, ठीक है, इसको भी हमें मिटाना पड़ेगा मिथ को। और इसीलिए सवाल आपसे बार बार किया जाता है और आपसे बार बार पूछते हैं, ताकि लोगों में ये बात पहुंचे ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये गलत फहमी लोगों की दूर हो सके। अच्छा स्वामी जी, इस मौसम में यूरिन इन्फेक्शन भी किडनी के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है, जो कई बार किडनी फेलियर की वजह भी बनता है, और ये परेशानी महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा देखी जाती है, तो योग के साथ साथ इससे कैसे बचना है इसके बारे में बताएं, और महिलाओं को जरा सा कहिए कि वो भी जरा पानी का इस्तेमाल ठीक ठाक तरीके से कर लिया करें। देखो, गर्मी में यूरिन इन्फेक्शन और बार बार ये जलन, पस सेल्स का बढ़ना, ये यूटीआई की बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। इसके लिए तीन उपाय, विदेशों में तो लोग क्रैनबेरी जूस पीते, हमारे यहाँ पर करौंदा
जूस, करौंदा का अचार, करौंदा की सब्जी भी खा लेते हैं हाँ। और इसके लिए भी गोखरू, ये गोखरू ना आज से 10 साल पहले हमको 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये किलो मिल जाया करता था, अब ये 500 रुपये किलो मिलने लग गया है मेरे यहाँ। इतना इसकी महिमा, पहले ऊँट खाते थे हम, जहाँ शरीर का जन्म हुआ वहाँ हमने तो ऊँट खूब चराए भी है, पाले भी हैं, ऊँट का हल भी चलाया, ऊँट की गाड़ी भी चलाई है, ऊँट गाड़ी हमारी सीमाओं पर भी, पाकिस्तान बॉर्डर पर काफ़ी ऊँट प्रयोग करते हैं हमारे BSF वाले। ऊँट खाता था इसको, इसका काढ़ा कोई पी ले ना UTI की प्रॉब्लम, और इसी की बस्ती दे देते हैं बस्ती, और एक होती है उत्तर बस्ती जो यूरिनरी ट्रैक से दी जाती है, वो तो अप्रतिम होती है। बाकी मैंने कहा इसमें शीतल चीज़ें, शीतल चीज़ों में शीशम पीपल बेल वीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, पेठा, ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ें शीतल चीज़ें। तो इससे भी जितने भी पित्तवर्धक चीज़ें हैं उससे ये यूरिन की जलन पर सेल्स और UTI की प्रॉब्लम बढ़ती है। बचपन से योग करते रहे सामान्य या मधु की तरह कठिन कर लें, हम दोनों योग सिखाते रहते हैं आजकल बार बार, कठिन योग भी जिनको एडवांस योग कह जाते हैं, सहज योग, सरल आसन प्राणायाम, उससे ही पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल, और ये रूपांतरण कैसे हो रहा है, कैसे लोगों के बीच असर कर रहा है, उसके एग्जाम्पल्स भी हमने दिखाया, उसकी केस स्टडी बाकायदा श्रुतिका वहाँ आपके यहाँ से लेकर भी आई हैं, और रोज़ाना जो हम तक सवाल पहुँचते हैं, वीडियोस पे जो कमेंट आते हैं वो ये बता रहे होते हैं कैसे योग और आयुर्वेद की ताकत लोग समझ रहे हैं और उसको अपना रहे हैं। स्वामी जी, बाकी लोगों के मुकाबले हाई BP और डायबिटीज़ के मरीजों को किडनी इन्फेक्शन का डर ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में हाई BP और शुगर के मरीजों को क्या क्या सावधानी बरतनी है ताकि उनकी किडनी जो है इन दोनों बीमारियों का खात्मा जरूरी है जी, और वो भी जड़ से इनको मिटाना है, बीमारियों को खदेड़ देना है, हटा देना है, भगा देना है, मिटा देना है, नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट डिजीज। हाँ, तो एक तो अनुलोम विलोम जो आपने भाई से सुना ना, 290 अनुलोम विलोम, और वो बोल रहे थे ये शीतली शीतकारी, जीवा बाहर निकाल करके अंदर लेना श्वास, दांत जीभ के पीछे लगा के अंदर लेना श्वास, मुंह से लिया नाक से छोड़ना, और चंद्र भी दी बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, मुक्तावटी, BP ग्रिट, लौकी का जूस, ये इसके लिए अप्रतिम औषधि, BP जड़ से दूर, BP बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी, तो इसके लिए लिपिडो, लौकी पेठे के साथ साथ प्याज का रस, लहसुन थोड़ा सा हल्का सा बोल के उसकी दुर्गंध, उसका पित्त, उसकी तामसिकता उससे दूर हो जाती है, BP बढ़ जाता है कई बार हार्ट की प्रॉब्लम से, उसके लिए अर्जुन की छाल दालचीनी, और जितना भी शरीर में जहर भरा हुआ है ना उसको निकालना है तो अर्जुन की छाल दालचीनी को धनर्थ से बेहतर कुछ भी नहीं। BP बढ़ जाता है नींद पूरी ना आने से तो उसके लिए थोड़ी मैदा होती ले ले और अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, ये बड़ा ज़बरदस्त है। शुगर के लिए तो हमने खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार और मेथी का पानी और मधुनाशी मधुमृत का प्रयोग करवा देते हैं, और इससे पूरी तरह से डी जर्नेट में पेन के आज के बीटा सेल रिजुविनेट हो जाते हैं, और मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस वो भी किसी दिन केस स्टडी रखेंगे, जो श्रुतिका जी आए थे, मैंने दक्ष और जवेंद्र से लेकर के कितने बच्चों के प्रमाण रखे थे कि जो 2-2 साल से इंसुलिन जिनके बंद हो गए, 2-2 साल, 2.5-2.5 साल से, 3-3 साल से, अब तो 4-4, 5-5 साल के मेरे पास प्रमाण हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ था और हमने उनका इंसुलिन छुड़ा दिया, दवाई छुड़ाना तो हमारे दाएँ हाथ का काम, इंसुलिन तक बंद हो जाता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन थोड़ा लंबा करा देते हैं, उत्तान पादासन, खाने पीने पर कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा।
बिल्कुल स्वामी जी, वहाँ जाकर जो अनुभव भी मुझे मिला उसमें मैंने यही जाना कि वहाँ जितने भी केस स्टडीज थी, जिन लोगों को कई समस्याएं थी, उन्होंने योग पर पूरा भरोसा रखा। एक बात जो मैं वहाँ से सीख कर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी सीखे, वो यही है कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि शुरुआत में हमें जब असर नहीं दिखा, 2 दिन हुए 3 दिन हुए, लेकिन हमने भरोसा बनाए रखा और उसके बाद पूरा भरोसा योग और जो भोज है उसके ऊपर, आहार जो हम खा रहे हैं उस पर कंट्रोल किया, और उसके बाद हमने रिजल्ट्स देखे हैं और जो रिपोर्ट्स मैंने अपनी आंखों के सामने देखी हैं कि कैंसर मुक्त हुए हैं पेशेंट्स। मैं खुद अचंभित थी कि किसी को मल्टीपल ऑर्गन कैंसर है। जो कन्नड़ महिला वहां पर मौजूद थी जिनसे आपने मुझे मिलाया था, उन्होंने कहा कि मुझे मल्टीपल ऑर्गन कैंसर था लेकिन अब वो कैंसर मुक्त हो गए। गायत्री जी ऑस्ट्रेलिया से आई। जी जी, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। यही है योग और आयुर्वेद की ताकत। बस अद्भुत है। हाँ, बस जरूरत इस बात की है कि एक तो लगातार वो अभ्यास किए जाएं जो स्वामी जी बता रहे हैं और जो तरीके बता रहे हैं उस पर भरोसे और यकीन के साथ उस पर अमल किया जाए। स्वामी जी, किडनी कमजोर पड़ने पर जब पूरी तरह से जहरीले टॉक्सिन्स शरीर से बाहर नहीं निकल पाते तो वो धीरे धीरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स पर भी जमने लगते हैं और उनको नुकसान करते हैं। ये टॉक्सिन्स लिवर पर जम जाए तो शरीर का डॉक्टर भी खतरे में पड़ जाता है। तो लिवर फैटी ना हो जाए उसके लिए क्या करना है? लिवर के लिए लिवोग्रिट खाने के, लिवोग्रिट खाने के बाद सूजन हो तो पुनर्नवादी मंडूर पुनर्वी, और ये तो मैं बार बार संकेत कर रहा था कि ये मकोई, ये भूम्यावला और ये पुनर्नवा, इसी का हमने ये सर्वकल्प करके भूम्यावला पुनर्नवा मकोई का एक काढ़ा भी दिया है, और इसका स्टेप निकाल करके लिवोग्रिट वाइटन सुबह दोपहर शाम 3 बार दे देते हैं, और कपालभाति मंडूकासन के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अधमत्सेंद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्थानपादासन, 3-5 आसन जितना बल पाए कर ले। थोड़े दिन घी तेल बंद कर देते हैं, फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3-4, और लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस और हेपेटाइटिस के भी पेशेंट देखे थे श्रद्धा जी ने। हेपेटाइटिस सईद खान और जो है रजिया बेगम खुद देख करके आई है। हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, पाचन से संबंधित सब रोग खत्म हो जाते हैं। इसमें एलोवेरा वीटग्रास भी बड़ा अच्छा काम करता है। खून कम हो जाए तो अनार, गाजर, चुकंदर का जूस। प्लेटलेट कम हो जाए, खोले बहन मिली भोपाल में 8 आ गया था प्लेटलेट, जो पपीते के पत्तों का रस एलोवेरा आपने बताया और प्लेटोग्रिट लिया तो 8 से मेरा 50,000 हो गया। 8 यदि प्लेटलेट हो जाए तो पूरे शरीर से ब्लड रिस्क करके आदमी की मौत हो सकती है। 8, मात्र 8, ये बड़े ज़बरदस्त है। किसी का प्लेटलेट गिर जाता है, किसी का हीमोग्लोबिन गिर जाता है, और एक तो भाई का रजत का जो श्रितिका ने देखा 2,500 जो 25 होना चाहिए SGOT SGPT, रजत का 2,500 था, 2,500 इंदौर से आया था, श्रितिका ने खुद देखा है, तगड़ा सा एक लड़का बॉडी बिल्डर, आपका ध्यान होगा श्रितिका जी, 2,500 SGOT SGPT, और बोले मैं तो इस साग सब्जियों का जूस पी करके और प्राणायाम करके ठीक हो गया। जिनको हम वेस्ट मान करके फेंक देते हैं ना, ये बोले सब्जियों के छिलके, डंठल, इनको पीस करके इन्हीं को पीता रहा, यज्ञ की भस्म का पानी, लौकी का जूस, ये लौकी तुरई की सब्जी, इसी से ही लिवर की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सुबह सुबह अनार खा लो, 1 अनार 100 बीमार तो हो जाएगा उद्धार। और इसीलिए स्वामी जी हम बार बार ही बता रहे हैं दर्शकों को कि किडनी अगर खराब हुई तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है, और लिवर पर जो उसका असर होता है उसको कैसे ठीक करना है वो भी आपने बता दिया। लेकिन स्वामी जी एक केस स्टडी का जिक्र मैं कर देता हूँ, क्योंकि श्रुतिका जब आपके यहाँ गई तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करके लाई हैं। तो लीवर की असाध्य बीमारी से जूझ रहे एक मरीज की बातों को उन्होंने रिकॉर्ड किया है जो दर्शकों को जाननी चाहिए, और दर्शक उसको जब देखेंगे सुनेंगे तो उनका भरोसा और मजबूत होगा।
इसकी हालत ये थी, कितना परसेंट लीवर खराब हो? मेरा 95% हो गया था लीवर खराब। एसयूटी जैसे उसका बताया नहीं, उसका क्या था HbA1c और पता नहीं क्या अलग अलग रिपोर्ट बता, इसका जो 25 होना चाहिए वो 2500 पहुंचा था। 2500 SGOT SGPT जो 25 होना चाहिए 2500। मेरे एज के लोग आयुर्वेद पे बाबा जी इतना विश्वास नहीं करते, मुझे इतना विश्वास इसलिए क्योंकि मैंने चमत्कार देखा आयुर्वेद का। और जितनी भी पत्तियां रहती है ये पत्तियों में ही मेन जाते हैं, पत्ती डंठल। मेरे पापा नू 2020 दे विच लीवर दा कैंसर होया सीगा, ते उस टाइम करोना चल रहा सी, असी बाबा जी कोल तां लैके आ नहीं सके, पर मेरे दीदी बाबा जी नू फॉलो करदे सी, असी घर ही बाबा जी वल्लों जो दस्या जांदा ट्रीटमेंट खाण पीण उही दित्ता, ते पापा ने 2-2 घंटे सवेरे शाम योग कीता, ते निलोम विलोम तां सुबह शाम रात नू भी जदों जाग आ जांदी उदों ही करना शुरू कर देंदे सी। पापा अज बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट नॉर्मल लेके बैठी है छोरी अब। तो स्वामी जी चमत्कार हो रहा है वहां पर भी, और इंडिया टीवी देख करके भी बहुत सारे लोग घर बैठे चमत्कार। ने कैंसर ठीक किया और रजत ने SGOT SGPT, ये बड़े मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल लोगों के एक्सपीरियंस हैं, और लोग इससे हौसला रखते हैं कि हम भी रोगों पर विजय पा सकते हैं। मेरे भाई अमित जी हुसैन जी, श्रुतिका जी तो अचंभित हो रही थी सब सुन सुन के। बिल्कुल श्रुतिका, आप हमें भी बताइए कि आपने जो अनुभव किया, क्योंकि हम तो तस्वीरें देख रहे हैं और स्वामी जी की भी बातें सुन रहे हैं, आपने क्या और देखा वहां पर, क्या महसूस किया? अमित, सबसे पहले तो यही कि जैसा अभी रजत भी बता रहे थे कि जब बीमारी होती है, यंग जनरेशन योग पर उतना भरोसा नहीं करती, आयुर्वेद पर भरोसा नहीं करती, वो सोचती है कि कोई चमत्कार ऐसा हो कि इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, यानी पूरे प्रोसेस पर भरोसा नहीं करते हैं लोग। लेकिन जब भरोसा करते हैं उसके बाद हम ये चमत्कार देखते हैं कि योग आपको अंदर से ठीक करता है, आपको जोड़ता है खुद से। जब आप अपने शरीर को समझ पाते हैं, आपकी इंद्रियां खुलती हैं, आपके हर एक अंग में रक्त का संचार ढंग से होता है, तब चीजें बदलना शुरू होती हैं। तो उस पे यही मैं वहां से तो यही सीख कर आई हूँ कि सबसे पहले जो है खुद पे कंट्रोल करना है। जी हुसैन, सारी बीमारियों का इलाज जो श्रुतिका भी जान जाएंगी। बहरहाल स्वामी जी देखिए, ये चमत्कार इंडिया टीवी पे रोजाना होता है। अब जरा स्वामी जी, किडनी अगर किसी की कमजोर हो रही है तो प्राणायाम कैसे फायदा देगा, कौन कौन से प्राणायाम किडनी के लिए फायदेमंद है, वरदान है? स्वामी जी एक सेशन प्राणायाम। तो देखो भस्त्रिका, ये तो हमारे 1,00,000 किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी ट्रैक को, 2,400 किलोमीटर लंबे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को, एक एक सेल के पूरे जिसमें एक समय में 1,00,000 से ज़्यादा केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी पूरी सेल बायोलॉजी को, उसके एपोप्टोसिस को, उसके ऑटोफेजी माइटोफेजी को, उसकी पूरी अंदरूनी प्रक्रिया को ठीक कर देता है ये किडनी। कपालभाति पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे पाचन तंत्र को, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र को ठीक कर देता है, और अनुलोम विलोम तो हमारे 72,72,10,201 नाड़ियों को ही पूरा ऊर्जा से आप्लावित कर देता है। भ्रामरी उद्गीत से उस ओंकार ब्रह्म ऑलमाइटी खुदा अल्लाह गॉड से जुड़ जाते हैं, और संसारिक की शक्तियां तो पाते हैं हमें, पारमार्थिक शक्तियां पराविद्या में प्रवेश होने से वो मिलता है जो संसार के किसी प्रयत्न से नहीं मिल सकता मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, प्राणायाम की जिम्मेदारी श्रुतिका पूजा और अमित को सौंप तो करके प्राणायाम करने उसी से उद्धार हो जाता है। मैं और आप यौगिक चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। जो आपने चैलेंज दिया था उसे एक्सेप्ट कर बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियोज हम तक पहुँचाए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोज आपको दिखाते हैं, फिर जो बेस्ट वीडियो है वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए हिंदुस्तान के कोने कोने से, हर एक राज्य से वीडियो स्वामी जी हम तक पहुंचा, और हर एक उम्र के लोगों ने कोशिश की है और वीडियोस हम तक पहुंचाए हैं। लेकिन जो बेस्ट वीडियो है स्वामी जी, वो अब आपके सामने आने वाला है। अद्भुत है, अद्भुत है। जो विजेता है, ये रहे स्वामी जी विजेता, वाघ दामोदर जयपुर के रहने वाले। देखिए स्वामी जी जबरदस्त तरीके से ये अभ्यास किया। क्या बात है, ये जो जोश जुनून है ना, ये एनर्जी का लेवल देखते ही बनता है। दामोदर जी के लिए अभिनंदन है, और कल का भी चैलेंज दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बेटी मधु देरी है, उत्थित एक पादासन, उत्थित एक पादासन, ऐसे एक पैर को तो दूसरे पैर की जंघा पर रख दिया, और फिर इस पैर को उठा दिया और बैलेंस बना दिया। देखो ये जोरदार है वो, ऐसे
उत्थित एक पादासन, फिर उत्थित द्विपादासन भी देंगे। ये अद्भुत है। उत्थित एक पादासन का ये चैलेंज जिसे एक्सेप्ट है, वो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स के जरिए आप अपने वीडियोस हम तक पहुंचाएं, जो बेस्ट होगा उसे स्वामी जी की तरफ से इनाम भी मिलेगा। अब स्वामी जी आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।